सैमसंग ने अपना गैलेक्सी M51 लॉन्च किया है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो OnePlus Nord के कंपैरिजन में कितना खरा उतरता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेटवर्क की, तो OnePlus Nord में आपको 5G सपोर्ट मिलेगी, वहीं गैलेक्सी M51 सिर्फ 4G ही देता है। तो इस हिसाब से यहाँ बाजी मारता है OnePlus Nord, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है। चलिए अब देख लेते हैं स्क्रीन की क्वालिटी। स्क्रीन की बात करें तो OnePlus Nord में आपको फ्लूइड एमोलेड जो कि 90 हर्ट्ज़ पैनल है वो मिलेगा, वहीं बात करें गैलेक्सी M51 की तो उसमें सिर्फ 60 हर्ट्ज़ मिलेगा। यहाँ पर भी OnePlus Nord बाजी मारता है। चलिए देख लेते हैं स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो OnePlus Nord में आपको Gorilla Glass 5 मिलता है, वहीं गैलेक्सी M51 में आपको मिलेगा Gorilla Glass 3, तो यहाँ पर भी OnePlus Nord आगे है। चलिए बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, प्रोसेसर में भी OnePlus Nord स्नैपड्रैगन 765G जो कि 7 नैनोमीटर पर हाईली कैपेबल प्रोसेसर है उस पर है, वहीं गैलेक्सी M51 स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर पर बेस्ड है जो कि 765 के मुकाबले थोड़ा फीका है। तो प्रोसेसर के मामले में भी OnePlus Nord बाजी मार लेता है। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है स्टोरेज। यहाँ हम कितनी स्टोरेज है इस पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्टोरेज टाइप के बारे में। तो OnePlus Nord UFS 2.1 जो कि काफ़ी फास्ट होती है उस पे बेस्ड है, वहीं पर गैलेक्सी M51 eMMC जो कि काफ़ी स्लो स्टोरेज है उसको यूज़ करता है, तो यहाँ पर भी OnePlus Nord आगे है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कैमरा। यहाँ पे कैमरा की बात करेंगे तो कैमरा में हम कितने मेगापिक्सल है उस पर बात नहीं करेंगे, सेंसर क्वालिटी की बात करेंगे। जो OnePlus Nord है उसमें भले 48 मेगापिक्सल है, लेकिन जो इसका सेंसर है वो IMX586 है, जो कंपेयर करें IMX682 64 मेगापिक्सल से कहीं ज़्यादा अच्छे फोटो खींचता है। तो कैमरा कितना मेगापिक्सल है आप उस पर ना जाएं, आप देखें कि किस कैमरा से कितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आती है, और इस लिहाज से OnePlus Nord जो कि 48 मेगापिक्सल पर जिसका कैमरा है वो ज़्यादा अच्छी फोटो लेता है कंपेयर टू 64 मेगापिक्सल ऑफ गैलेक्सी M51। चलिए अब देख लेते हैं बैटरी। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे गैलेक्सी M51 बाजी मार लेता है, क्योंकि इसमें मिलेगी आपको 7000 mAh की बैटरी जो कि एक पावर बैंक का भी काम करता है, क्योंकि इसमें रिवर्स चार्जिंग है। और बात करें फास्ट चार्जिंग की तो OnePlus Nord आपको देता है 330 वॉट फास्ट चार्जर जो कि उसके बॉक्स में ही मिलेगा, लेकिन वहीं पर गैलेक्सी M51 जिसकी 7000 mAh की बैटरी है लेकिन उसका चार्जर 25 वॉट का है, तो बहुत टाइम लगेगा आपको इस बैटरी को चार्ज करने में, करीब करीब 2.5 घंटा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ बेंचमार्क स्कोर्स। N22 बेंचमार्क की बात करें तो OnePlus Nord में जो बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है वो आता है 3,15,000 के आसपास, वहीं बात करें गैलेक्सी M51 की तो इसमें आएगा 2,80,000 या फिर 2,81,000 के आसपास। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पैसे की। OnePlus Nord और गैलेक्सी M51 दोनों ही 24,999 से स्टार्ट होते हैं। OnePlus Nord का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 64GB और 6GB वेरिएंट में आता है, वहीं M51 128GB और 6GB रैम वेरिएंट में आता है। बात करें इस पैसे पे तो दोनों का प्राइस बराबर है, लेकिन परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस और फीचर वाइज देखें तो आपको OnePlus Nord कंसीडर करना चाहिए, और अगर बैटरी आपकी प्रायोरिटी है तो फिर गैलेक्सी M51 आपको लेना चाहिए। तो ये था कंपैरिजन M51 वर्सेस OnePlus Nord। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।